हेलो फ्रेंड्स, आप सबने मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स के विषय में सुना ही होगा। आज की वीडियो में हम ओमनीवर्स के विषय में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स क्या होता है। यानी कि पैरेलल यूनिवर्स यानी कि समानांतर दुनिया। इसका एग्जांपल हम ये समझ सकते हैं, जैसे आप एक आईने के समक्ष खड़े हो, आईने के इस पार तो आप हैं लेकिन आईने में खुद को देखते हैं, तो यही हमारा मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स हो सकता है। यानी कि हमारा जो ब्रह्मांड है ना, वो अनगिनत है और अनगिनत हमारा कार्बन कॉपी इसमें विद्यमान रहता है। तो ये तरह पैरेलल यूनिवर्स। अब चलते हैं ओमनीवर्स के विषय में। ओमनीवर्स का सिद्धांत एक काल्पनिक अवधारणा है जो ब्रह्मांड और वास्तविकताओं के संदर्भ में संभावना के पूर्ण संपूर्ण विस्तार को समझने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करने का प्रयास करती है। यानी कि ये जो ओमनीवर्स का सिद्धांत है ना, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है, लेकिन ओमनीवर्स का सिद्धांत क्या है, ब्रह्मांड और उसकी वास्तविकता के लेकर क्या है, एक संभावना है जिसका विस्तार से हमारे जो वैज्ञानिक है ना, वो रूपरेखा उसको देने में लगे हुए हैं। इसके बाद ये जो सिद्धांत है ना, मल्टीवर्स का सिद्धांत, ये सर्वव्यापी सिद्धांत है। यानी कि इस सर्वव्यापी सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक काल्पनिक ब्रह्मांड विभिन्न भौतिक नियमों, स्थिरांकों और प्रारंभिक स्थितियों के साथ अपनी अलग वास्तविकता में मौजूद है। यानी कि जो ओमनीवर्स का सिद्धांत क्या है, ओमनीवर्स का सिद्धांत भी क्या है, एक काल्पनिक ब्रह्मांड का सिद्धांत है जिसमें विभिन्न प्रकार के भौतिक नियम, स्थिरांक और प्रारंभिक स्थितियों के साथ अपनी वास्तविकता में मौजूद है। इन ब्रह्मांडों में बहुत क्या है, भिन्न गुण है और इसके अलग परिणाम भी है। यानी कि ये जो ओमनीवर्स है ना, इसके ब्रह्मांड बहुत सारे हैं और इसके जो परिणाम है ना, वो भी बहुत सारे हैं, जिससे संभावनाओं की एक विशाल श्रृंखला उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, एक ऐसे ब्रह्मांड हो सकता है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक मजबूत या कमजोर है, जहाँ समय अलग तरह से बहता है या जहाँ पूरी तरीके से अलग मौलिक शक्तियाँ मौजूद है। यानी कि ओमनीवर्स ऐसे हम लोग ब्रह्मांड को कह सकते हैं जहाँ पर क्या हमारे ही जैसा रूपरेखा हो, यानी कि हमारे जैसा पृथ्वी हो, हमारे जैसा समय हो, लेकिन वहाँ पर समय की क्या है, मौलिक शक्तियाँ भिन्न है। ओमनीवर्स सिद्धांत यह प्रस्तावित करने के लिए हमें आगे बढ़ाता है कि ओमनीवर्स के भीतर ये ब्रह्मांड विभिन्न तरीकों से एक दूसरे से बातचीत या प्रभाव डाल सकते हैं। यह इंटरैक्शन उच्च आयामी स्थानों, वार्म होल या अन्य तंत्रों के माध्यम से हो सकते हैं जो भिन्न वास्तविकताओं के बीच कनेक्शन की अनुमति देते हैं। यानी कि ये जो ओमनीवर्स सिद्धांत है ना, ओमनीवर्स ब्रह्मांड है, इसका एक सिद्धांत है, इसमें यह बताया गया है कि हम लोग वार्म होल, उच्च आयामी स्थान या अन्य उपकरणों की सहायता से हम लोग विभिन्न वर्ल्ड में एक दूसरे से कनेक्शन बना सकते हैं, जिस पर बहुत सारी फिल्में भी बनी हुई है। यानी कि ओमनीवर्स कई है ना, ये अंतर क्रिया की एक धारणा है जो ब्रह्मांड के एक दूसरे के विकास को प्रभावित करने, यहाँ तक कि एक दूसरे से टकराने की संभावना को बढ़ाती है। ओमनीवर्स सिद्धांत में, यानी कि ओमनीवर्स में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये जो सिद्धांत है ना, ये अत्यधिक अटकलबाजी ओमनीवर्स का सिद्धांत बनी हुई है, क्योंकि वर्तमान में इसके अस्तित्व की पुष्टि या खंडन करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। यह मुख्य रूप से एक वैचारिक ढांचा है जो सैद्धांतिक भौतिकी, जिसे स्ट्रिंग सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी द्वारा सुझाई गई संभावनाओं की विशालता को समेटने का प्रयास करता है। ओमनीवर्स सिद्धांत के कुछ समर्थक का यह तर्क है, यह जीवन के लिए हमारे अपने ब्रह्मांड के ठीक ठाक व्याख्या करने में मदद कर सकता है। यानी कि ओमनीवर्स द्वारा ही हम अपने ब्रह्मांड की व्याख्या भी कर सकते हैं। उनका सुझाव है कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है ना, यह अनगिनत ब्रह्मांडों में एक हो सकता है और सर्वव्यापी और संपूर्णता पर विचार करते समय हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्तें अधिक संभावित हो सकती है। हालांकि इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि ये जो ओमनीवर्स सिद्धांत है ना, अभी भी सक्रिय शोध का विषय है। निश्चित रूप से ये जो ओमनीवर्स का सिद्धांत है ना, ये सर्वव्यापी सिद्धांत है और हम लोग इसे अब बहुत ही गहराई से अब जानते हैं। ओमनीवर्स सिद्धांत का एक दिलचस्प पहलू है मेटा ब्रह्मांड।
का विस्तार है जो सभी व्यक्तिगत ब्रह्मांडों को शामिल करता है। यह मेटा ब्रह्मांड को एक व्यापक संरचना के रूप में सोचा जा सकता है जो इसके भीतर कई ब्रह्मांडों के व्यवहार को समाहित और नियंत्रित करता है। इसके अपने स्वयं के कानून या सिद्धांत हो सकते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि ये ब्रह्मांड कैसे परस्पर क्रिया करते हैं या विकसित होते हैं। इसके अलावा जो ओमनिवर्स का सर्वव्यापी सिद्धांत वास्तविकता और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में गहन प्रश्न उठाता है। यदि सभी संभावित ब्रह्मांड ओमनिवर्स के भीतर मौजूद है तो संभवतः यानी कि ये जो संभावता की अवधारणा एक बिल्कुल नया आयाम लेती है। प्रत्येक काल्पनिक परिणाम चाहे कितना भी असंभावित क्यों ना हो सर्वव्यापी के भीतर कहीं ना कहीं उसका अपना अस्तित्व होगा। इससे स्वतंत्र इच्छा की प्रकृति नियतिवाद और हमारी वास्तविकता के अवसर की भूमिका के बारे में दार्शनिक विचार विमर्श होता है। इसके अतिरिक्त सर्वव्यापी सिद्धांत का ब्रह्मांड विज्ञान और ब्रह्मांड की उत्पत्ति और भाग के अध्ययन के लिए दिलचस्प निहितार्थ है। यह एक संभावना को खोलता है यानी कि ये जो ओमनिवर्स है ना ये एक संभावना को खोलता है कि हमारा ब्रह्मांड ब्रह्मांडों के विशाल समुद्र में से एक है और प्रत्येक के भौतिक नियमों और गुणों का अपना अनूठा सेट है। ओमनिवर्स के संदर्भ में ये ब्रह्मांड कैसे उभरते हैं विकसित होते हैं और कैसे बातचीत करते हैं इसकी खोज से ब्रह्मांडीय विकास और अस्तित्व की अंतिम प्रकृति में नई अंतर्दृष्टि मिल सकती है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है जबकि ओमनिवर्स सिद्धांत कल्पना को पकड़ता है और अस्तित्व की प्रकृति पर विचार करने के लिए एक सम्मोहक रूपरेखा प्रदान करता है। यह अत्यधिक अटकलबाजी ओमनिवर्स बनी हुई है। अब तक सर्वव्यापी के अस्तित्व का समर्थन करने वाला कोई प्रत्यक्ष अवलोकन संबंधित साक्ष्य नहीं है। यह सिद्धांत सैद्धांतिक भौतिकी गणितीय मॉडल और दार्शनिक अटकलों में निहित है जो इसे जांच का एक रोमांचक लेकिन चालू क्षेत्र बनाता है। अंततः अब हम लोग लास्ट में आते हैं। सर्वव्यापी सिद्धांत को समझने की खोज हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती है और वास्तविकता की मौलिक प्रकृति के बारे में गहन प्रश्न उठाती है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं और उससे परे की संभावनाओं के बारे में अपनी समझ को लगातार खोज रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। हमें अपने दृष्टिकोण का विस्तार करने और अभी तक अनदेखों की विशालता को अपनाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। तो ये रहा ओमनिवर्स के विषय में एक छोटा सा सिद्धांत। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आप सबको पसंद आ रही होगी।